hello friends welcome to my channel sanviki part sala friends in this video we will cover the miller's tale which is second tale in prologue to Contemporary tales written by geoffrey chaucer friends in previous video we have already covered the knight's tale and if you want to watch that video i have put link uh, of that video in below description box of this video and i also share those pdf notes and also the miller's tale ka notes in telegram channel pe jiska naam hai sharmi ki paathshala aur इसका जो link है telegram channel का link वो description में डाला हुआ है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर ले और टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन कर ले ताकि आपको वह पी मिल जाए आसानी से सो so, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं द मील टेल। इन्होंने किस टाइप से कहानी सुनाया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंड्स द मिलर टेल। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का सेकेंड टेल है तो कैसे इसका बिगनिंग होता है वो हम लोग देखेंगे तो so, फ्रेंड्स द मिलर स्टेल का बिगनिंग द नाइट स्टेल का खत्म होने से होता है आफ्टर द एंड ऑफ द नाइट स्टेल ए क्लासिकल स्टोरी ऑफ कॉटी लव हैरी बेली जो एक होस्ट होता है सारे पिलग्रिम्स का मोंग को कहता है अपनी कहानी सुनाने के लिए लेकिन शराबी मिलर इंटरप्ट कर देता है उन लोग दोनों के बातों को और बोलता है कि उसका टेल अब अगला टेल होगा अब देखते हैं फ्रेंड्स आखिर मेलर्स टेल का ओवरव्यू क्या है ताकि हमें इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ इस टाइप की कहानी है इन्होंने सुनाया है तो फ्रेंड्स द मेलर्स टेल का स्टोरी एक जॉन जो कारपेंटर है उसकी वाइफ एंड दो यंग मेन का होता है जो कारपेंटर की जो वाइफ होती है एलिशन उसके साथ सोने के लिए एगर होते हैं मींस उसकी वाइफ को सेड्यूस करने का हमेशा तैयारी में रहते हैं कि मौका मिले और उसे सेड्यूस किया जाए इस टाइप की कहानी द मिलर्स टेलने में सुनाया गया है मिलर्स के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे कि यह वर्क का नाम ही है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स तो हम लोग पहले प्रोलॉग जानेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन जानेंगे पिलग्रिम्स मिलर का उसके बाद हम लोग इनके कहानी को पढ़ेंगे तो प्रोलॉग में क्या है तो प्रोलॉग में जो मिलर्स का नाम है वो है रॉबिनसन मीन्स रॉबिन ड्रेस इन्होंने पहना है उसका डिस्क्राइब नरेटर के द्वारा जोफ्री चौसर के द्वारा नहीं किया गया है इस टेल में और मिलर्स का जो सोशल स्टेटस है वो लोअर क्लास है और इमोर्टल है मतलब इसमें नैतिकता का भाव है ही नहीं मिलर्स में मतलब पूरी तरह से इमोटल है क्योंकि वह एक शराबी है इसलिए पर्सनालिटी ट्रेट्स इसका है एग्रेसिव बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ब्लंट मंदबुद्धि होता है और यार्ड, यानी कि पूरी तरह से यह शराबी होता है मिलर्स मैं आपको मिलर्स का पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so फ्रेंड्स ये है मिलर जो यह कहानी सुनाते हैं तो चलिए अब देखते हैं इन्होंने यह बंदा किस टाइप का कहानी सुनाता है पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है तो चलिए अब इनका स्टोरी देखते हैं फ्रेंड्स पर्सनालिटी ट्रेड्स को आपने देख लिया मीलर्स को भी देख लिया अब चलिए देखते हैं कि इस टेल का सेटिंग कहाँ है तो इस टेल का सेटिंग है कारपेंटर हाउस का ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में मींस एक कारपेंटर है उसके हाउस है इंग्लैंड में वहाँ का सेटिंग है स्टोरी चलिए स्टार्ट करते हैं द स्टोरी है अब पुलिस कारपेंटर नेम जॉन हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड एलिशन निकोलस इज अ यंग स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिजायर लवली एलिशन मीन्स एक कारपेंटर होता है मतलब बड़े ही होता है जिसका नाम होता है जॉन उसकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल वाइफ है जिसका नाम है एलिशन और उसी टेल में एक निकोलस नाम का एक आदमी है कैरेक्टर है जो ये यंग है और एक एस्ट्रोलॉजी का काम भी करता है वन डे वेन जॉन सेंट निकोलस निकोलसड्यूज एलिशन फर्स्ट ही रिसिस्ड टेट बट फाइनली एग्रीड मीन्स एक दिन जब वह कारपेंटर जॉन घर पे नहीं था तो मौका पाके निकोलस एलिशन को सेड्यूस करना चाहा शुरू शुरू में एलिशन निकोलस को तो मना की लेकिन वह बाद में मान जाती है सी वरीड दैट इफ हर हस्बैंड फाइंड्स दैट आउट ही विल किल हर और वह टेंशन में यह रहती है वह परेशान रहती है कि अगर मेरा हस्बैंड जॉन मेरे और निकोलस के बारे में अफेयर के बारे में जान जाएगा तो वह मुझे जान से मार देगा इस डर में वह रिफ्यूज करती है निकोलस को लेकिन बाद में मान जाती है वह डर डर के उसके साथ अपना लव अफेयर को शुरू करती है निकोलस मेड ए प्लान फॉर इट जब यह बात एलिशन निकोलस को बताती है कि वह उसका हस्बैंड मार देगा अगर हमारे बीच के बारे में जानेगा तो निकोलस एक प्लान बनाता है क्या बनाता है निकोलस लीड या गाइडेंस जोन दैट देर विल बी ग्रेट फ्लड वह निकोलस जोन को कहता है कि कल हमारे यहाँ एक बड़ा भयानक सा फ्लड आ रहा है नॉल फ्लड आ रहा है उस टाइप से सो ही ऑर्डर टू टाई द थ्री टब्स टू द बीम ऑफ सेलिंग विथ रोब एंड फिल द टब विथ फ्लड सो दैट दे कैन एस्केप व्हेन फूड फ्लड कम्स जब वह बताता है कि कल हमारे यहाँ बहुत ही तेज भयानक फ्लड आने वाला है बाढ़ आने वाला है तो जोन को निकोलस बताता है कि तुम्हें तीन टब तैयार करनी चाहिए और उस टब को तुम क्या करो छत के सेलिंग से बांध दो रस्सी के सहारे जब फ्लड उस टब के ऊपर तक आ जाएगा तो हम लोग रस्सी काट देंगे उसके बाद हम लोग बहते बहते दूसरे यहाँ चले जाएंगे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से निकोलस जॉन को बोल रहा था टब बांधने के लिए सो so फ्रेंड्स इस तरह से निकोलस जॉन को बोला ये टब को बांधने के लिए सेलिंग से जैसे कि यहाँ पे टब है और सेलिंग में यहाँ पे रस्सी से बांध दिया है और जब फ्लड यहाँ तक भर जाएगा तो यह रस्सी काट देगा यहाँ से ताकि वह बातें बातें दूसरे यहाँ चला जाए ताकि कम से कम डूब के मरे नहीं पानी में इस तरह से निकोलस ने अपना एक प्लान बनाया और जॉन के साथ शेयर किया अब चलिए आगे देखते हैं जॉन डिड सो एट नाइट ही क्लेम्स इन टू द ट एंड फेल स्लीप निकोलस ने जिस तरह से बोला उसी तरह से जॉन ने टब को बांध दिया सेलिंग से और रात में उसमें घुस के सो गया इवन निकोलस एलिशन और जोन तीनों तीन टब में अलग अलग सो गए द टू एलिशन एंड निकोलस गेट आउट ऑफ द टब एंड स्पेंड द होल नाइट टुगेदर। जब देखा निकोलस एंड एलिशन ने कि जोन पूरी गहरी नींद में सो गया है तो दोनों एक टब में आ जाते हैं और पूरी रात एक साथ बिताते हैं जो निकोलस बहुत दिनों से चाह रहा था एप्सलॉम ए पेरिस क्लर्क अल्सो हैड बीन वलिशन फ्रेंड्स उसी में से एक बाहर का उसके घर के बगल का एक लड़का था पेरिस क्लर्क था जिसका नाम एप्सलॉम था वो भी एलिशन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और उसे शेड्यूज करने कोशिश मौके में हमेशा रहता था वाइल्ड निकोलस एंड एलिशन वेयर इंजॉइंग एप्सुलम शो जब निकोलस एंड एलिशन दोनों इंजॉय कर रहे थे टब में तब अनफॉर्चुनेटली एप्सलोम उन दोनों का सारा नज़ारा देख लेता है और बोलता है वहाँ पे आके एंड टेल एलिशन टू किस हिम बट सी इंसल्ट हिम और कहता है एलिशन से कि वह उसे किस करे लेकिन एलिशन किस के जगह उसे इंसल्ट कर देती है बट वेन सेकेंड टाइम ही टेल फॉर अ किस निकोलस सौ ही बेक एंड एप्सलोम अप्लाइड हॉट पोकर एंड निकोलस बेक निकोलस बेक एंड निकोलस साउट वाटर वाटर मीन्स जब एलिशन को एप्सलोम बोलता है किस करने के लिए सेकेंड टाइम तो वह फिर से इंसल्ट करने के बजाय निकोलस अपना बेक साइड पिछवाड़ा दिखा देता है एप्सलोम को तो एप्सलोम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह हॉट पोकर एक गर्म छड़ उठा के निकोलस के पिछवाड़ा में दाग देता है यानी कि सटा देता है तो जब सटा देता है तो निकोलस बहुत ज़ोर से चिलता है और बोलता है वाटर वाटर इस टाइप से चिलता है गेट अप एंड कट द रोप ऑफ द टब एंड फेल डाउन एंड हिज लेग्स। कि बात हुआ था कि जब फ्लड भर जाएगा तो वह निकोलस आवाज देगा कि फ्लड भर गया है अब चलो रस्सी काट देंगे इस तरह से बात हुआ था तो जैसे ही निकोलस ने चिल्लाया वाटर वाटर तो जोन सोचा कि फ्लड भर चुका है टब में तो वह रस्सी काट दिया जैसे ही वह रस्सी काटा वह बेचारा नीचे गिर गया और गिरने से उसकी लेग भी टूट गई फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट द मिलर स्टेल जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मीन्स दो मेन एक वीमेन के लिए पागल होते हैं इसमें भी जिस तरह से नाइट स्टेल में था सो so, फ्रेंड्स आई होप यह टेल आपको समझ में अच्छे से आया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें और फ्रेंड्स इस टेल का जो पूरा फुल ये पी है वो सानवी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है मेरा उस पर मैंने डाल रखा है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ सो दैट आप वहाँ पे आसानी से पी को प्राप्त कर सके सो so फ्रेंड्स अगला टेल हम लोग का जो है द रिफ्स टेल उससे मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें करना नहीं भूले सो so, थैंक यू बाय बाय टेक केयर